हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय गणित लेके आए हैं। विषय गणित के अंतर्गत आपके लिए जो अध्याय आया है वो अध्याय है अध्याय नंबर 10। अध्याय 10 है ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों के चित्रण के बारे में आपको बताएंगे, जो ठोस आकृतियाँ होती हैं उनके आकार के चित्रण के बारे में बताएंगे। उसका यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, आयलर सूत्र एफ धन वी बराबर ई धन 2 कोष्टक में दिया हुआ है का प्रयोग करते हुए अज्ञात ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है, एक सारणी बनी, उसमें क्या दिया है, फलक दिया है, फलक को ए से बताया जिसका मान ज्ञात करना है। शीश दिया है, शीश का मान दिया है 6, किनारे दिए हैं 12। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे किसका, आयलर सूत्र का प्रयोग करना है और किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। ए मीन्स होती है फलक। तो हमारा आयलर सूत्र क्या है, आयलर सूत्र है एफ धन वी बराबर ई धन 2, जहाँ एफ क्या है, फलक है जिसे फेस कहते हैं, जिसे हमें ज्ञात करना है। वी क्या है, वी शीर्ष वर्टिकल्स बराबर कितना दिया 6, और ई क्या है, किनारे तो किनारे कितना दिए हैं, ई का मान दिया है 12 दिया है। यहाँ फलक एफ बराबर ए है, फलक को क्या बताया यहाँ पे, एफ जिसे हमने क्या मान लिए, ए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या रख देंगे, ये एफ की जगह क्या रख दी, ए धन वी बराबर ई धन 2 जिसका मान ज्ञात करना है, उसके बराबर हमने एफ के बराबर ए को मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने ए का मान ए हो गया, धन वी का मान कितना है 6। जैसे कोई सी जो वी वी से दर्शाया गया जिसे वर्टिकल कहते हैं, कितना है 6, बराबर ई का मान कितना है 12, ये 12 लिख दिए, धन 2। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद देखिए ए धन 6 बराबर 12 धन 2 हो गया, ए और 12 में 2 जोड़े कितना हो गया 14, और इस धन 6 का क्या किए, पक्षांतर किए। धन 6 का जब हमने पक्षांतर किए तो क्या हो गया, ऋण 6, तो क्या आ गया, ए बराबर 14 ऋण 6, तो ए बराबर 8। 14 में से हम 6 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। इस प्रकार आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 था, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए ए अज्ञात ए का, तो अज्ञात ए का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि किसी बहुफलक में 30 किनारे और 12 फलक हैं तो आयलर सूत्र से शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 30 किनारे दिए हुए हैं, फलक दी है, और हमें क्या ज्ञात करना है, शीर्ष ज्ञात करना है। किसका उपयोग करके, जो आयलर सूत्र है, आयलर सूत्र का प्रयोग करके हमको शीर्ष ज्ञात करने का। बहुत आसान सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, किनारे, किनारे को दर्शाया ई से, बराबर 30 दिया है। फिर दिया फलक, फलक को आयदर साथ एफ से, कितनी है 12। आयलर सूत्र क्या है, एफ धन वी बराबर ई धन 2, तो एफ का मान कितना हो गया 12, यहाँ पे दिया हुआ है फलक एफ 12। वी का मान नहीं हमें ज्ञात करना है, धन ई का मान कितना है, किनारे कितने हैं 30 धन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो धन 12 है इसका पक्षांत, या भी एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये 12 धन वी जैसा का वैसा लिखे, 30 में 2 को जोड़े कितना हो गया, ये 32 हो गया। ये तीर के निशान के द्वारा आपको बताया जा रहा है, ये 30 में 2 जोड़े 32। अब यहाँ पे हमने वी लिखे, ये बराबर 32 लिखे, धन 12 का पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, ऋण 12। 32 में से 12 घटाए तो कितना आ गया 20, तो वी बराबर कितना आ गया 20, और वी क्या है, शीर्ष वर्टिकल, तो ये हमें शीर्षों की संख्या कितनी है, 20 आ गई। इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसी प्रकार के प्रश्न आपको बना के भी दे सकता है, कि जैसे आपको वी दे देगा, एफ का मान ज्ञात करने को कहेगा, या ई का मान ज्ञात करने के लिए कह सकता है एफ का मान दिया। तो इस प्रकार से आपको आयरल सूत्र जो है वो याद होना अनिवार्य है। आयरल सूत्र क्या है, एफ धन वी बराबर ई धन 2। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3।
प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति को पहचानिए। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति को आपको पहचानने के लिए कहा है। आप चाहें इसे इस प्रश्न की समझ के लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 163 में इसको देख सकते हैं कि कौन सी द्विविमीय है और कौन सी त्रिविमीय है, तो आप उसके माध्यम से आप बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया ये नंबर दिया शंकु, शंकु क्या है, त्रिविमीय आकृति है। और बी नंबर क्या दिया है, वर्ग, वर्ग क्या है, द्विविमीय आकृति है। वर्ग क्या है, दो दो विमाएं हैं और इसमें कितनी विमाएं हैं, तीन विमाएं हैं, इसलिए इसे त्रिविमीय कहा गया। और इसमें दो विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई, और इसमें शंकु में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार से तीन विमाएं होती हैं, इसलिए इसे त्रिविमीय आकृति कहा गया। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 में दिया बेलन का आधार दर्शाइए। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 174 में देख सकते हैं। अब ये बेलन है, देखिए ये बेलन बना हुआ है, इसमें इसका इसका आधार बताना। तो आधार जो इसका जो वृत्ताकार भाग होता है यह उसका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो ये आधार हो गया, देखिए यहाँ पे ये आधार हो गया, और ये जो भाग है ये कौन सा भाग कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें जो बताने का था बेलन का आधार, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि बेलन का आधार क्या होता है। जो वृत्त का भाग होता है जिस पर बेलन खड़ा होता है वह बेलन का आधार होता है। तो और लिख सकते हैं, अतः बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, माचिस की डिब्बी का ऊपर से दृश्य किस प्रकार का होगा, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपकी माचिस की डिब्बी बनी हुई देखिए, ये माचिस की डिब्बी है। आप इसकी समझ के लिए 168 पृष्ठ को देख सकते हैं। ये माचिस की डिब्बी है, इस माचिस की डिब्बी में देखिए ये वाला जो भाग है, ये जहाँ कट कट के निशान लगे हुए हैं, ये भाग क्या कहलाता है, पार्श्व कहलाता है। ये कौन सा भाग कहलाता है, पार्श्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पार्श्व, पार्श्व भाग होता है इसका। और ये जो है ये वाला भाग, ये ऊपर का भाग कहलाता है। ये किसका कहलाता है, ऊपर का कहलाता है। उसके बाद ये सामने वाला भाग होता है, ये यहाँ पे जो होता है ये कौन सा होता है, सामने वाला भाग होता है, ये सामने का। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा क्या है, प्रश्न में क्या, माचिस डिब्बी को ऊपर से दृश्य किस प्रकार, तो जो ऊपर का दृश्य देखिए आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, आयताकार दिखाई दे रहा है, और चित्र द्वारा बनाई, तो आप चित्र बना सकते हैं। ये हमने आपको चित्र बना के बताया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, झोपड़ी का सामने से दृश्य किस प्रकार होता है, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए ये झोपड़ी बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, हमारी झोपड़ी बनी हुई है। आप इसके समझना चाहते हैं तो इसको 165 नंबर के प्रश्न में देख सकते हैं इसका उत्तर आप, कि 165 नंबर के प्रश्न में ये झोपड़ी का ये वाला भाग जो दिख रहा है ये कौन सा भाग कहलाता है, पार्श्व कहलाता है। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, ऊपर वाला भाग कहलाता है। और ये जो है दिख रहा है ये सामने वाला है। तो झोपड़ी के सामने से दृश्य किस प्रकार होता है, तो ये दिख रहा है आपको सामने का दृश्य किस प्रकार का होता है, और उसका चित्र बनाना, तो आप उसका सामने के भाग का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। और यदि आपको इस प्रश्न की और समझ के लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 165 में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए घन में शीर्ष एवं फलकों की संख्या लिखिए। ये क्या है, एक घन है, घन ये आकृति काय की बनी है, घन की बनी, इसमें आपको क्या पूछा है, शीर्ष, तो आप बता सकते हैं घन में शीर्ष कितने होते हैं, 8, और फलकों की संख्या कितनी होती है, 6, और किनारे 12 होते हैं। तो ये आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर था कि शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष हो गए 8, फलक कितनी हो गई, 6, और किनारे आपको इसमें दिया नहीं है लेकिन हम अपने तरफ से बता दे रहे हैं कि घन के किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो शीर्ष कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे शीर्ष आप पहचान सकते हैं, ये वाला एक भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात और ये आठ, तो शेष कितने हो गए? आठ हो गए। फलक गिन लेते हैं, एक दो, देखो ये एक दो तीन चार, चार पाँच और ये एक छः। कितनी फलकें होती हैं? छः। और किनारे कितने होते हैं? बारह। तो किनारे गिन सकते हैं, एक दो तीन चार, इसमें चार हैं, इसमें चार, इसमें चार, ये एक किनारा, दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। इस प्रकार किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या है? 8। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8 में? क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? तो आप इसको आयरन सूत्र के माध्यम से हल करके देखेंगे। जब आयरन सूत्र के माध्यम से हम हल करके देखेंगे तो हमारा जो आयरन सूत्र क्या होता है, आयरन सूत्र आपको बताया था अभी हमने, उसके माध्यम से हम इसको हल करके देखते हैं। आयरन सूत्र के माध्यम से हल करके देखेंगे, यदि दोनों पक्ष बराबर, जैसे हमने क्या ले लिए, एफ धन वी ऋण ई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपका फलक। एफ कितना दिया? 20। शीर्ष दिया है 15 और ई कितना दिया है? 20। अब इसको हम 20 और 25, 35, 35 में से 20 घटाए तो कितना बचा? 5। यहाँ पे 2। अब ये 5 बराबर 2 नहीं है। जब 5 और 2 बराबर नहीं है तो ये यहाँ पे जो बताया है शीर्ष किनारे और फलक, तो ये भी क्या होंगी? किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते। तो हम उत्तर में क्या लिख देंगे? किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया उचित पैमाने। उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय का परिसर का मानचित्र बनाइए। तो एक आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खेल मैदान को दर्शाना है, मुख्य भवन को और बगीचा को, और इसका विद्यालय परिसर पर मानचित्र बनाना है। तो मान लीजिए ये हमारा विद्यालय, ये वाला क्या है? विद्यालय। विद्यालय के सामने क्या है? ग्राउंड है। और ये क्या है? बगीचा है। तो अब हमें इसको कैसे, हमें ये अपना यहाँ पे बिल्डिंग बना दिए, फिर यहाँ पे ग्राउंड बता दिए, और ये और उसके यहाँ पे बता दी क्या कि ये किसके माध्यम से? उचित पैमाने की इसको दर्शाएंगे कि मुख्य भवन है ये क्या हो गया? खेल का मैदान। और ये क्या हो गया? बगीचा। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है निम्न फलकों, बहुफलकों के लिए फलकों, फलकों यानी फेस, किनारों, एक्स और शीर्षों, वर्टिकल्स की संख्याओं को सारणीबद्ध कीजिए। इनको सारणीबद्ध करना है। ठोस दिया है यहाँ एफ वी ई, एफ धन वी और ई धन 2। अब घनाभ को देखते हैं। घनाभ, घनाभ की ये कितनी होती हैं फलकें? 6 होती हैं। और शीर्ष कितने होते हैं? अभी आपको बताया था हमने घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष जो दिए हैं वर्टिकल, अभी आपको बताया था हमने वर्टिकल एक्स। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, देखो शीर्ष कितने होते हैं? 8। और फलक कितनी होती है? 6। और किनारे 12। 8। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं शीर्ष कितने हैं। घन और घनाभ के शीर्ष सब सेम होते हैं, तो ये 6 हो गए, 8 और 12। अब क्या करेंगे? एफ में वी को जोड़ देंगे। एफ में वी जोड़े तो 8 6 14, और ई में 2 को जोड़े तो कितना हो गया? 14। इसी प्रकार त्रिभुजाकार प्रिज्म में एफ कितने होते हैं? 5। वी कितने होते हैं? 6। और ई कितने होते हैं? 9। किनारे कितने होते हैं? 9। वर्टिकल शीर्ष कितने होते हैं? 6। और फलक कितनी होती हैं? 5। तो ये देखिए, इसको जोड़िए, 5 और 6 कितना हो गया? ये 11। और फिर क्या करेंगे?
आपका ई का मान कितना है, 9, 9 धन 2 यानी 11। इसी प्रकार वर्ग का निकाल दिए, वर्ग की फलके कितनी होती हैं, 6, शेष कितने होते हैं 8। वर्ग आधार का प्रिज्म और जो किनारे होते हैं 12। तो देखिए 6 और 8 जोड़े 14, और 12 में ये 2 को जोड़े तो कितना हो गया 14। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर सारणीबद्ध कर सकते हैं। अब प्रत्येक स्थिति में एफ धन वी बराबर ई धन 2, यानी एफ धन एफ और वी का मान दोनों का योग और ई धन 2 इसका योग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, अतः यह सूत्र प्रत्येक बहुफलक के लिए सत्य है। इस प्रकार बच्चों आपका ये इस अध्याय का प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर समाप्त हुआ और ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। यदि आपको हमारा यह वीडियो या हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए गए हैं जिस समझ आते हैं, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।